तो हेलो गाइस, तो आज है 30 तारीख, 30 जनवरी। आखिरकार IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट आ ही गया, क्योंकि बहुत दिनों से आ ही नहीं रहा था। और ये पिछली साल आया था 5 तारीख को, ठीक है, तो इस साल आ रहा है ये 30 तारीख को। सिर्फ 25 दिन का गैप है और ये लोग सिर्फ 15 दिन के अंदर इंटरव्यू करा देंगे, क्योंकि उसके बाद डेट ही नहीं है। तो चलिए फिर हमें अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले IBPS की वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है। तो IBPS की वेबसाइट हम लोगों ने खोल ली है, तो CRPPO के सेक्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें गए और इसका रिज़ल्ट स्टेटस देखो तो ऑनलाइन दिखा रहा है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं रिज़ल्ट। मेरा ID पासवर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले ये कैप्चा फिल कर देते हैं, ठीक है, MH, ठीक है, KMH MH, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं, तो मेरा हो गया है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ रहा है, यू हैव प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस 9 महीने एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें तो मेरा हो गया है, तो मैं बाकी के मैं अपने सारे रिज़ल्ट दिखाता हूँ, जैसे कि RRB क्लर्क हो गया। RRB PO में तो मेरा हुआ नहीं था, ठीक है, IPS क्लर्क में हुआ था और IPS PO मेंस में हुआ था, SBI PO में नहीं हुआ था। तो उसके मैं रिज़ल्ट आगे लगा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, RRB क्लर्क में तो मेरे फुल मार्क्स थे, ठीक है। तो उसका जरूर स्कोर कार्ड जरूर देख लेना, स्कोर कार्ड सारे लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो ये मेरा पहला है स्कोर कार्ड जो कि है RRB PO का, जो कि इसमें मेरे नंबर आए थे 48.25, जो कि 5 नंबर कम थे, काफ़ी कम थे, इसलिए मेरा प्री में नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा 29 भी, मेरा उस दिन रीजनिंग का जो था ना दिमाग ख़राब हो गया था, उस दिन रीजनिंग में मेरे 40 बनने चाहिए थे, नहीं हुए। तो अब अगला हम लोग देखने वाले हैं RRB क्लर्क का, ठीक है। तो RRB क्लर्क का मेरा प्री हो गया था पर मेंस नहीं हुआ, मेंस में मेरे 20 नंबर कम रह गए। प्री का स्कोर कार्ड देख लेते हैं हम लोग, तो प्री में मेरे आते 79.75, मतलब कि 0.25, वो भी नॉर्मलाइजेशन से कम हुआ था, एक नंबर कटा नहीं था, नॉर्मलाइजेशन से 0.25 कटे थे, पूरे फुल मार्क्स ही थे, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं, पर मेंस में नहीं हुआ था, इस सब का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो वीडियो कभी डाली ही नहीं। इसलिए मेरा GA में यार हिंदी में रह गया था सर, उसका स्कोर कार्ड है नहीं शायद, पता नहीं, मैंने लिया ही नहीं था स्क्रीनशॉट, क्योंकि इतना मूड ही ख़राब हो गया था 1 जनवरी को, कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए मैंने उसका लिया ही नहीं था। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं RRB क्लर्क या IBPS क्लर्क का, IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट देखेंगे, ठीक है। तो IBPS क्लर्क में आ चुके हैं मेरे, कितने नंबर आए थे, 86.5 आए थे, 20 आए थे इंग्लिश में, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में थे 33-75, एक ही नंबर, एक ही गलत था, और रीजनिंग में 2 गलत 3 गलत थे, नॉर्मलाइजेशन भी था इसलिए वजह से। तो यही है, 86.5 नंबर थे। IBPS क्लर्क का भी रिज़ल्ट आना है, मेंस दिया था तो वो आएगा अप्रैल में आएगा, तो उसका तब देखेंगे। और यही कुछ खास नहीं है, और वो इसके बाद देखेंगे हम लोग IBPS PO का रिज़ल्ट, उसका स्कोर कार्ड देखेंगे कितने नंबर किस में बने IBPS PO में। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो IBPS PO के हम लोग पेज पर आ चुके हैं, जो कि प्री की बात हो रही है यहाँ पर। मेंस का तो अभी आएगा नहीं, मेंस का तो अप्रैल में आएगा, ठीक है। इंटरव्यू ये लोग 10-15 दिन में करा देंगे। हाँ, तो इसमें देखिए 66 है, अरे इधर से दिख भी नहीं रहा था, 66 है, अभी जूम करूँगा मैं। और 29 नंबर मेरे उसमें आ गए, 29.5 रीजनिंग में, क्वांट में सबसे कम थे, क्योंकि क्वांट में जितना हो सकता था सही करने की कोशिश करी, और टफ भी थी इसीलिए मैंने रीजनिंग कर ली, बस इस वजह से 66 बन गए। 54 कट ऑफ थी, तो ठीक ठाक नंबर थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और IBPS PO मेंस भी मेरा ठीक ही ठाक अच्छा गया था, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बेकार गया था, पर रीजनिंग उसमें बहुत टफ आई थी, तो उसमें मेरा, मुझे लग रहा था कि इसी में मेरे गड़बड़ करेगा, लेकिन चलो उसको ही, उसमें तो हो ही गया है। तो फिर चलो, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।